लाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बात ही नहीं हो सकती। जी सर, अभी सर मेरा पक्का घर बन चुका है और अब मैं सर बाल बच्चों परिवारों के साथ शांति से जीवन जी रहा हूँ सर। वो सर सरकार, भारत सरकार की और राज्य सरकार की कृपा से सर। जब आपको इतनी मदद मिली है, मुझे आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर। पूरे गांव वाले आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोना चांद मिश्रा जी है। आप करते क्या है सोना जी? मैं एक पकोड़े का दुकान चलाता हूँ सर। आप लोगों को पकोड़े खिलाते हो? जी जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है? नहीं सर, मैं उत्तम क्वालिटी का पकोड़ा बनाता हूँ। अब जैसे सोना जी बता रहे थे 12-13 हजार रुपए खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है, मतलब उनके जेब में 10 हजार रुपए बचा है। कितने ही पकोड़े बेचते, 10 हजार नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10 हजार बचा दिया। नमस्ते जी। नमस्ते सर। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावण अम्मा आप तो जादूगर हो गई है। गाँव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती है तो? हाँ, आते हैं सर। जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेश जताए थे। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। बलबीर जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सर मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आप अपने गांव के सरपंच भी हैं? जी सर। देखिए आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया अभी सबको हटा करके, तो अब सरपंच वही बन जाएगा ऐसा लग रहा है। तुम्हें धक्का मार रही है नेता, जो योजना है आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है जरा फिर से बताइए। सर मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया, उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। देखिए आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर के मालिक हो गई है। आपका आशीर्वाद है सर। बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर। देखिए हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलने का स्वभाव हमारे देश के स्वभाव में है। जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं, वरना हमारा सामान्य जो देश का नागरिक है वो झूठ कभी नहीं बोलने का प्रयास नहीं करता है। मेरी तरफ से आपको और सभी गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत।